जगत के सारे क्रियाकलाप को, और या जगत के क्रियाकलाप को परमात्मा को कार्य कहो या माया को कार्य कहो या परमात्मा की लीला कहो। देखो सारी बात सुधर रही है धीरे धीरे, तुम्हारे भीतर वो सतरंगी धनुष की जो रंग बिरंगोपन है वो उभर के आएगो, और वो गाओ तब होएगो लीला के रूप में, को गाओ तब या को संस्कार होएगो प्राण को, नहीं तो संस्कार नहीं हो सकेगा। वो क्रिया है, वो भावना है, जगत की विविधता, जगत की विरोधाभासिता। सो तुम घबरा गए, अब वो शास्त्री जी ने भागवत कथा को आयोजन किया ही है, अब नहीं सुनने जाएंगे तो शास्त्री जी को बुरा लग जाएगा, और महाराज श्री ने जो है वो 56 भोग का आयोजन किया है, नहीं करेंगे तो गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज कैसे हो जाएगा, दिखाओ वचन वाकु, नाराज कैसे हो जाएगा, वचन दिखाओ, अपने आप शर्मा के भग जाएगा, आएगा ही नहीं दूसरी बार, बाकी हिम्मत नहीं पड़ेगी तुमको आमंत्रित करने की, पर तुम खुद डरपोक हो, तुम खुद ऐसो भीतर खाने घालमेल कर रहे हो, वाके पार्ट बन रहे हो, माने एक क्या हुआ गुंडा हुआ है और एक सफेद पोष गुंडा हुआ है। सफेद पोष गुंडा को ये महात्मा को, वो खुद गुंडागिरी नहीं करे, गुंडान को पाले, तुम गुंडागिरी करो, वो सफेद पोष बन के बैठ रहे। तो अपने पुष्टि मार के सेठियां सब सफेद पोष गुंडा है और शास्त्री और महाराज शुद्ध गुंडा है, बेचारे दरिद्र है क्या करें वो गुंडागिरी कर रहे हैं पुष्टि मार के गांव में, और ये सेठियां हैं, दे दे पैसा सफेद पोष गुंडा बन के, हम क्या करें, गुरुदेव की आज्ञा को तो अनुसरण नहीं पड़ेगा, शास्त्री जी ने कथा करी है तो एक वक्त तो सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो कैसे भागवत को अनादर, भागवत को हमें क्या अनादर है, आजीविका के लिए भागवत में विनियोग कर हमें अनादर कैसे हो जाएगा, आजीविका के लिए ठाकुर जी को विनियोग कर हमें अनादर कैसे हो जाएगा ठाकुर जी को। गुंडा और सफेद पोष गुंडा को भेद अपने को समझना पड़ेगा। सफेद पोष गुंडा है, गुंडा से भी ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि उनको तो गुंडा को एक्साइटमेंट तो है तो कूल काम मर्डर करवाते हैं पैसा देके, उनके चेहरा पे शिकन भी नहीं आवे। ये पुष्टि मार्ग के ये जो सफेद पोष गुंडा है इनने भी कोई कम रोल अदा नहीं किया है, तो वो पाछे हैं भी नहीं पुष्टि मार्ग के। ये बात एक और मजेदार है ये सफेद पोष गुंडा पुष्टि मार्ग से इनको कुछ लेना देना नहीं है। यदि कोई शैव मार्गी आ जाए और कहते चल भाई तेरे तरफ से यजमान की घोषणा, हाँ वहां में भी दे आएंगे पैसा, क्योंकि उनको तो सिर्फ स्टेज पे आना है ना, हम यजमान हैं, हम पोथी के यजमान हैं, हम 56 भोग के मनोरथी हैं। अभी ऐसे हुआ कि जैनी लोगन ने भी ध्वजाएं पधराई, बोलो सुन्ना जी की क्यों पधराई, जैनी का क्या लेन देन सुन्ना जी की ध्वजा से, जो सफेद पोष गुंडा है ना पॉकेट में पैसा है, सुन्ना जी की ध्वजा बिकती भाई मिले तो काय को नहीं खरीदनो, खरीदनो तो जैनी ने भी पधराई थी। सफेद पोष गुंडा है जरा और गंभीर लीला खेल रहे हैं, तो वो सारी लीलांशु तुमको विचलित होने की जरूरत नहीं है, यदि एक बखत तुम ये सारी बात को अच्छी तरह से समझ जाओगे कि यार ये सब तो होनो है, दया हवई प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च, तुम अपनी बात पे कायम रहो, तुम उनमें घबरा मत जाओ, तुम अपने सिद्धांत पे कायम रहो, दृढ़ रहो, बस फिर अपने आप को निवृत्त हो जाएंगे। हमारे किशनगढ़ में बहुत चामा चिड़िया आ जाए, और हर वक्त में जब भी जाऊं बहुत तकलीफ हो, अपने छाती पे आके लटक जाए, पर दो चार दिन बत्ती जोड़ के रखे ना तो सब भग जाए, तो बत्ती नहीं जुड़े करके लटक जाए आके। तो ये जो लक्ष्मी को यही लिए वाहन उल्लू कहो जाए कि अंधेरा में आवे, दिन में नहीं आवे लक्ष्मी का वाहन जो उल्लू है वो अंधेरा में यही लिए आवे, क्यों दिन में नहीं आवे, अंधेरा आवे फिर आके घर में बैठ जाएगा, बोल जाएगा कुछ कुछ, अब पता नहीं लोग क्या, मैंने आज तक सुने नहीं, पर यहाँ तक सुने कि अपन बच्चा का नाम बुलाए तो वो भी अपने बच्चा को बुला ले उल्लू भी, अपन ठाकुर जी को कहें कि नंद घेर आनंद भयो तो वो भी कह दे कि हाँ नंद घेर आनंद भयो, नाचो के बोले नाचो नंद घेर आनंद, अरे काय को नाच रहा यार, तेरे को नंद घेर आनंद से तेरे को क्या मतलब तू क्या नाच रहे हो, पर नाचे आदमी क्योंकि वो तो अंधेरा में नाच रहे हो ना, वाहन जाको है वाह के कारण ही तकलीफ भैया, ये बात को ध्यान समझो। तो ये सारी बात लीला को पार्ट करोगे तो समझ में आ जाएगी, वो आना भी बंद कर देंगे, क्योंकि तुम उनको स्टेज दोगे नहीं, स्टेज दोगे नहीं तो उनको खुद को ही निराशा आ जाएगी कि हवे पुष्टि मार्ग में कहीं रस जेव रहू नहीं, स्टेज मलतु नहीं, स्टेज मले तो पाछो रस आ जाए तो फिर हम मनोरथी हम यजमान, स्टेज नहीं मिले तो कुछ देवे ही नहीं, डोनेशन भी नहीं देवे, क्योंकि उनको काम काज ऐसा है ना। तो ये बात समझो कि वो अपने आप निवृत्त हो जाएंगे, पर तुम खुद दब गए उनके सामने फिर तो चढ़ी बैठे, वो तो अपन बुलावे तो वो बुलावे, अपना नाम भी बुला दे। हम पहले मैंने आज तक कभी सुने नहीं, पर यूँ गांव वाले कहें कि अपने रात को यही लिए बच्चा को जोर से हेला पाड़ के नहीं बुलाना, नहीं तो उल्लू भी बुलावे लग जाए अपने बच्चा को, ऐसे सावधानी रखनी चाहिए अपने नंद घेर आनंद करने में नहीं तो बुलाने लग जाए तो लेने के देने पड़ जाए। तो यह बात समझो कि वो प्रतिकार और प्रयोजन जो है वो सारे हो सकेंगे। या के बाद जैसे प्राणी की जो संशय
विपर्यास, निश्चय, निद्रा, स्वाप, स्मृति, ये जो सारे बुद्धि के अपने क्रियाकलाप हैं, इनको भी संस्कार जो है वो महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंध में बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे ये सारे क्रियाकलाप स्वस्थ और सुघड़ हो सके। और जो प्राणी को यहाँ है वो ही यहाँ है, क्योंकि प्राणित्व दोनों में कॉमन है करके, जैसे यहाँ प्रयोजन बोध सुधरे गो लीला बोध सु, ऐसे अपना संशय, विपर्यास, निश्चय, निद्रा, स्वाप, स्मृति सब लीला बोध को पार्ट बनेंगी तो सुधरेंगी करके, यहाँ सुधार को द्रव्य को संस्कार और क्रिया के संस्कार में एक ही बात काम कर रही है। पीछे से आ रहे है ये मनुष्य धर्मार्थ काम मोक्ष जो पांचवा है। अब ये बात ध्यान समझो कि धर्मार्थ काम मोक्ष को जो संस्कार है अपनी मनुष्यता को, या संस्कार के लिए द्रव्य संस्कार क्या है और क्रियाकलापन को संस्कार क्या है, वाके लिए शास्त्र पहली बार आगे आके और मर्यादा प्रस्तुत करे है जो ये स्टेज है। शास्त्र क्या है कि तुम धर्म को अर्थ पुरुषार्थ, तुम अर्थ पुरुषार्थ, तुम काम पुरुषार्थ, तुम मोक्ष पुरुषार्थ अपनी दिमागी फितूर से नहीं समझोगे, शास्त्र ने जो तुम्हारी मर्यादाएं बताई हैं वाके हिसाब से तुम ये धर्मार्थ काम मोक्ष को शास्त्रीय मर्यादा से समझोगे। जब शास्त्रीय मर्यादा से समझ रहे हो, जब शास्त्रीय मर्यादा से वह कुछ स्वीकार कर रहे हो, वह पुरुषार्थ को कर रहे हो, वो पैसा कमानो भी तुम्हारा जो है वो पुरुषार्थ है, अपुरुषार्थ नहीं है। काम भोग माने अपनी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को संतुष्ट करना भी एक पुरुषार्थ हो जाएगा शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार कर रहे हो तो, और शास्त्रीय मर्यादा के विपरीत कर रहे हो तो वही जो है वो पुरुषार्थ के ठीक जगह अनिष्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए करके। मनुष्य को सुधारने के लिए माँ शास्त्र ने शास्त्रीय मर्यादा जो मनुष्य अपने मन से धर्मार्थ काम मोक्ष की परिकल्पना करे है वाके बजाय शास्त्र ने शास्त्रीय मर्यादाएं हर चीज की बताई। आज अपने को ये फितूर घुस गई कि कोई भी एक चीज के लिए धर्म है तो हमारे लिए क्यों नहीं धर्म है। अरे भाई, जो जाके लिए धर्म है वाके लिए धर्म है, दूसरे के लिए धर्म नहीं है। जो जाके लिए अर्थ है वो वाके लिए अर्थ है, वो दूसरे के लिए अनर्थ भी हो सके। जो जाके लिए काम है वो वाके लिए काम है, वो दूसरे के लिए माने हानि को स्वरूप भी ले लेगो। और जो जाके लिए मोक्ष है वो वाके लिए मोक्ष है, वो सबके लिए वो मोक्ष होना जरूरी नहीं है। शास्त्र ने धर्मार्थ काम मोक्ष की मर्यादाएं समझाई हैं कि जासू मनुष्य सिर्फ मनुष्य न रह के जो है वो मर्यादा जीव बने। ये बात ध्यान समझो, मर्यादा जीव को मतलब क्या कि अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को अगड़म बगड़म जो फितूर मन में आ गई वह फितूर सु अपने अर्थ पुरुषार्थ को काम पुरुषार्थ को रूप न समझ ले। एक साधारण उदाहरण दूं तो तुमको समझ में आएगी बात कि मुसलमान अपनी कजिन सिस्टर से ब्याह सके, अपन क्या हम क्यों नहीं ब्याह सके। अच्छा ब्याह जा, चल कौन ना पाड़ रहे, अपनी कजिन से ब्याह जा। इजिप्ट के जो राजाए हते वो अपनी सगी बहन से ब्याहते थे, तुम कहोगे हम क्यों नहीं ब्याह सके। इजिप्ट को राजा यदि सगी बहन से ब्याह सके तो हम क्यों नहीं ब्याह सके। अरे भाई, तो कुछ जानवर हैं माँ से भी मेटिंग करे हैं तो तू क्यों नहीं माँ के साथ जावे। कहाँ जाके अटकेगा, सोचो कुछ। जब या तरसु एक कर रहे हो करके अपन अपनो अधिकार मान लें, कोई कर रहे हो छप्पन भोग करके अपन अपनो अधिकार मान लें, कोई कथा मर्यादा मार के शास्त्रीय भागवत की कथा करते थे पुष्टि मार्गिन ने कह दियो कि हम क्यों नहीं कर सके। कैसे नक्की कैसे किया तुमने ये लफड़ा कि तुम कर सको, तुम कर सको कि नहीं कर सको, वो कर सके वासु तुमने कर सको कैसे कह लियो। क्रिश्चियन में साल में एक बखत, एक बात ध्यान समझो, एक बखत उनके यहाँ एक बहुत पवित्र संस्कार है। और वो क्या कि चर्च में ऐसे टेबल हो गए, वह टेबल पे ब्रेड रखें, फिर शराब का प्याला रखें और बड़ी देर वाकी प्रार्थना ध्यान समाधि करें कि ये जो ब्रेड है ये क्राइस्ट को मांस है और ये जो शराब है ये क्राइस्ट को खून है, फिर सब वाको प्रसाद ले में थोड़ा थोड़ा। तुम कहो कि क्रिश्चियन लोग जो है वो क्राइस्ट को मांस खा सकें और क्राइस्ट को खून पी सकें तो हम कृष्ण को क्यों नहीं मांस खा सकें और खून पी सकें। भाई कौन ने कही यार तुमको, उनकी कुछ बात और है, उनकी कुछ कथा और है, वो धर्म तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा धर्म है, क्यों नहीं कर सकें। धर्म तो एक ही है सब जगह, धर्म के कोई दो भेद थोड़ी हो सके। अब वो राधा कृष्णन ने कह दियो कि धर्म एक हो है और ऐसा संप्रदाय अनेक हो है तो अपने को भी फितूर हो गई। संप्रदाय के भेद भूल जाओ, धर्म तो एक ही है, तो भूल के जाकर क्या करना, कृष्ण को मांस खाना, ये मछली में क्या भावना करनी,
कि कृष्ण की हड्डी है, क्या भावना करनी, सोचो कभी ऐसे कैसे हो सकेगा, पुष्टि मार्ग में यह बात कैसे अपनाई जा सकेगी। कोई धर्म कर रहे हो कुछ वक्त लिए अपन करना जरूरी नहीं है, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार सो अपने को धर्म करना है, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार सो अपने को अर्थ पुरुषार्थ कमाना है। कोई जो है वो मंदिर चला के पैसा कमा सके तो अपन क्यों नहीं कमा सके, भाई वाके यहाँ होएगा प्रकार कमाने को, वाकू छूट होएगी, वाके लिए तुमको छूट कैसे तुमने ले ली। कोई जो है वो काम को पुरुषार्थ या तरह से कर ले, तुमने छूट कैसे ले ली, जब तक शास्त्र वचन नहीं बताए कोई को ऐसा मोक्ष को पुरुषार्थ कोई ने बता दियो, तुमने कैसे पुरुषार्थ को ये कर लियो स्वरूप, मोक्ष पुरुषार्थ का स्वरूप। जैनन में 5-10 बरस के 6 बरस तक के बच्चा को सन्यासी बना दे, काय को नहीं बनो तुम सन्यासी, ऐसी बात करेंगे सब भागेंगे कि नहीं 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 नहीं। हमारे यहाँ तो अमेरिका में बहुत मजेदार बात भई थी, आप लोगों तक शायद बात पहुंची नहीं है। अमेरिका में एक काका है, उन काका ने यो कही कैसे सब पुष्टि मार्ग में वही कोई धर्म गुरु माने जाएगा जो ब्रह्मचारी होएगा, तो सब गुसाई नाराज हो जाए कि हमारे मौलिक अधिकार पे हस्तक्षेप है। काका ने कही कि जा कोई वल्लभाचार्य मान्य जाएगा पुष्टि मार्ग में कि जो ब्रह्मचारी है, बालक ने कही मौलिक अधिकार पे हमारे तराप आ गई है, कभी नहीं हो सकेगा ऐसा। तो मतलब क्या यार, आपको समझ में आ रहा है, तुम्हारा ये मौलिक अधिकार कहां से मिल गया, तुमको कौन ने दिया, क्योंकि जैन कर रहे हैं कि नहीं, जन्म से बेचारे 5-10 बरस के ब्रह्मचारी हो जाए, क्यों नहीं तुम हो जाओ, इतना यूनिवर्सल धर्म की यूनिवर्सल मोक्ष की बात कर रहे हो, तुम भी मुक्त हो जाओ, पर नहीं हो कोई मुक्त, मैंने कड़वो कड़वो थू थू और मीठो मीठा सब गप करना है, तो ये तो फिर धर्म नहीं रहे हो ना, ये तो अमर्यादित सारो प्रकार हो गया। या बात को अपने को समझना पड़ेगा, या लिए मनुष्य को मर्यादा में बांधने के लिए शास्त्रीय मर्यादा का प्रकार पैदा भयो, और वो शास्त्रीय मर्यादा में जा वक्त बंध रहे है, अपन कहेंगे हमारे लिए काय को ये बात समझा रहे हो, हम थोड़ी कोई मर्यादा जीव है, हम तो पुष्टि जीव है। अरे भाई तो मर्यादा जीव नहीं हो तो क्या जियोगे, बोलो चलो नक्की करो, नक्की करो, पुष्टि मार्ग में कहाँ कहो कि गुरु को मर्डर नहीं करना, मर्डर कर सके कि नहीं गुरु को, कोई कहीं कहो है, पुष्टि मार्ग में कहाँ कहो कि गुरु के पॉकेट नहीं चोर लेनी, बताओ वचन दिखाओ, इनको ही एक सेवक ने इनको कही, ये सामने ही बिराजे भाई, इनने कही कि तू हमारे काका जी को सेवक हो के हमारे से ज्यादा पैसा ले ले, इनने कही गांव में तो महाराज सब आसुरी द्रव्य है, आपके ही तो पास देवी द्रव्य है, आपको ही नहीं चोरे तो कहाँ जाए, कही ना तो क्यों नहीं लेना, बोलो वाने क्या गलत काम किया, जब गुसाइयन के पास देवी द्रव्य और देवी द्रव्य सुई देवी मती आती हो तो गुसाइयन की पाकिट चोर जाओ सब क्यों नहीं चोरनी, ना कहा है बताओ पुष्टि मार्ग में कहां मना है। यदि मर्यादा नहीं मानोगे तुम क्या क्या दुर्गति होगी, वो तो मैं सारे कैरिकेचर आपके सामने खड़ो नहीं कर रहे हूं, पर यदि इच्छा हो आपकी तो मैं हंसते हंसते पेट दुख जाएगा कि यदि अपन शास्त्रीय मर्यादा नहीं मानने को एक वक्त पक्ष ग्रहण करो, आओ कि हम शास्त्र की कुछ मर्यादा नहीं मानेंगे, फिर क्या क्या हो सके वाको चित्र में खड़ो करो, कोई पक्ष ग्रहण करे कि हम नहीं मानेंगे, हम पुष्टि जीव है, शास्त्र की कोई मर्यादा सु हम बंधने वाले नहीं यार, फिर सुन मेरे सारे नाटक सुन के तो स्टेज पे एनेक्ट करके बता दो, ऐसी ऐसी परिस्थितियां निर्माण होंगी, सोचो कभी अपन सोचे नहीं, मर्यादा जीव होने को अर्थ क्या, पुष्टि जीव होने को अर्थ क्या, पुष्टि जीव होने को अर्थ महाप्रभु जी ने कभी भी ये नहीं सोचो है कि मर्यादा जो शास्त्रीय मर्यादा है वाको अपने को पालन नहीं करना है, या वह पालन करने के लिए अपन बंधे भय नहीं है, पुष्टि जीव को महाप्रभु जी को सुस्पष्ट अर्थ ये है, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथान त्रयंतजेत, पुष्टि जीव होने को महाप्रभु जी को स्पष्ट मतलब यह है कि यावत देहाभिमान तावत वर्णाश्रम धर्म एव स्वधर्म अन्यो परधर्म भगवत धर्मोपि परधर्म, यहां तक महाप्रभु जी ने आज्ञा की है। अपनो महाप्रभु ये बात कह सके, दूसरे की तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने की, ये बात को ध्यान से समझो, कैसो महाप्रभु जी ने ये बात कही कि मर्यादा तुम्हारा धर्म है, जब तक तुमको देहाभिमान है तुम मर्यादा को उल्लंघन तब कर सको हो, जा वक्त तुम्हारो देहाभिमान छूट जाए, देहाभिमान छूट जाए का मतलब समझ रहे हो क्या, कि पॉकेट चोर जाए तो तुमको दुख नहीं होवे, थप्पड़ मार जाए तो तुमको दुख नहीं होवे, तुम्हारी बहुजी उठा जाए तो तुमको दुख नहीं होवे, तुम्हारे बच्चा को किडनैप कर जाए तो दुख नहीं हो, क्योंकि देहाभिमान है ही नहीं, है कोई को ऐसा देहाभिमान, अरे 1,00,000 रुपया नहीं दे 1,25,00,000 नहीं दे और 1,00,000 दे वहां में तो शास्त्री को दामाद इंद्रासन व्यासासन दामा डोल हो जाए कि 1,25,00,000 क्यों नहीं धरे, लाओ बीच दूसरे 25,000 को अपना कॉन्ट्रैक्ट है तो भागवत पढ़ने को, ऐसे ऐसे क्षुद्र टुच्चे आदमी है मर्यादा की रहित की बात कर सकेंगे, जो 25,000 के लिए बिकने तैयार हुए, तो ये बात ध्यान से समझो कि मर्यादा अपने पे लागू है लागू है लागू है, कोई अपने को हमें कंसेशन या कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है,
जो बात पुष्टि जीव होने की है वो महासु तैयार होगी कि जा बखत ये मर्यादा